कैमरा बंद करो, देख लो भाई 21 रुपए में क्या मिल रहा है। ये सब मिलता है। ओहो, शाही तलवार है। सत्यकाल जी सारे, होप करता तो सारे वधिया हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो आज मैंने प्लान बनाया था कि दोस्त लोग मेरे घर पे मिलेंगे और थोड़ा खेलेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे और देखते हैं फिर मिलके क्या होता है। वो तो आप व्लॉग देखोगे तो पता लगेगा। तो अभी बस आ रहे हैं बस 10-15 मिनट में और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, गेम खेलनी है, क्या करना है। पर एंटरटेन आप पूरा हो गए तो व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखते रहना। मिलता हूँ आपको आगे शादी में। अभी तो वहाँ जाऊँगा मैं वैशाली। कब है शादी? ये 8-10 8 तारीख को मैं रखना। फिर एक कुरकुरे बाद में खाएंगे, पहले गेम हो जाए। पहले खाएंगे फिर गेम होगा ना, बोलना नहीं कुछ। आजा आजा। पता क्या, मेरे पास पैन कार्ड भी है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मिल नहीं रहा, लेकिन मैं वोटर आईडी कार्ड लाया हूँ। फिर बोलेंगे, वैसे मेरे पास फोटो है पैन कार्ड की। ₹34 लगे। अरे मैं भी यार, सारा एक ही सिस्टम जा रहा है। गेट नंबर 2 इधर है, अब हो रहा जा। सही खड़े थे, चलो फिर वही मिलते हैं। वो पलट ना जाए पीछे की तरफ, ऐसे पीछे ना पलट जाए कहीं। पट्टा मार जाते लोग। ये रहा भाई चांदनी चौक का मेन बाजार और ये शीशगंज गुरुद्वारा। देख ये है यहाँ का सबसे फेमस गुरुद्वारा। ट्रस्ट भी नहीं होता, पता चले कोई भैया भैया आया फोन लेकर निकल ले। देख मेन ये रहा। ये रहा एंट्रेंस गेट गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। लाल किला। मार ठीक ही मार लेता। अभी इलेक्शन का टाइम है ना, इसलिए भर रखा है। तो देख लेना है कोई इतनी ज्यादा। ये देख ये लग रखा ना अम्यूजमेंट, इधर का लिए एंट्री तो फ्री अंदर अंदर होगा वैसे। मेरे को लगा इधर की ले रखी तूने। इधर जाने का अम्यूजमेंट एंट्री गेट ये रहा लाल किले का। अब दिल्ली हट निकलने वाला था मुंह से। ओहो दिल्ली हट का, दिल्ली हट, दिल्ली हट नहीं है भाई लाल किला है। पता है कि इसी के लिए वो प्रसिद्ध है कि ये लाल है पूरा। लाल ना हो तो लाल ये देखो लो बोले पीला किला नहीं अंदर से तो मीना बाजार। और अबे इधर जो पेन पेन और वो सब डिजाइन कर रखा होता है ना, वो वैसा हैंडमेड होता है। इधर का तो नजारा देखने लायक है। अबे देख हॉन्टेड इधर सुनाई दे रहा है, देख रहा है इधर से भी कुछ। ये रही लाल किला की छोटी छोटी मार्केट्स, ठीक है।
पर ये है कि रेट भी अच्छे खासे होंगे, देख देख रहे 500 चांदनी चौक पे ही सामान मिलता है। 100 रुपये कैमरा रिपेयर वो कैप्स पूछ ले, पूछ के फिर वापस आ जा। पूछ ले कितने का ले। सही तो है, इतना तो सरोजनी पे भी मिलता है। हाँ वो तो लूंगा मैं, एक ब्लैक ले लियो, मुझे कोई नहीं रोक सकता लेने से। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ ले लूंगा, जरूर आते वक्त ले लेंगे। ये रही लाल किले की मार्केट, छोटी सी घूम ले पर काफी अच्छी है। अरे भाई ये चल, ओपन है ओपन है, टिकट दिखानी पड़ेगी इधर भी। लो हाँ जी, ये रहा ना एंट्री का। अच्छा इधर भी एंट्री है, चल। इसका नाम है क्या नाम है, नौबत खाना, नौबत खाना है। ये रहा, इतना बड़ा एंट्रेंस गेट है इसका, पढ़ पढ़ के जाना पड़ता है। हाँ हम बिना उसके दिन करते हैं नौबत खाना, लेकिन क्या खाना खाते तो ये अबे एंट्री है, ये तो ऐसी असली चीजें तो भाई ये है, ये है जैसे ब्लॉगर होते हैं ना वैसे बताते बताते। क्या चीज है ये, कोई महल सा बना रखा ऐसे। अबे वो देखियो क्या कर रही है, भाग रही है गेट में जाग रही है। दिखा तो कुछ है नहीं। अबे यार सर का फोन आ रहा है, इधर से ही है उतरने का। इनका आ रहा है। हाँ मैं अगर जल्दी आ जाता हूँ घर तो मैं फिर कॉल आपको सामने से कर दूंगा कि मैं आ रहा हूँ। ये है रंग महल, पता है क्यों है, पढ़िए सर। सुनने में आ रहा था उसकी रानियां यहाँ पे एक साथ मिलती थी शायद, सारी एक साथ रहती थी। अच्छा का इसका मेन, ये तो पूरा दिन आना पड़ता। अच्छा क्या हो गया ना, मैंने घर कह रहा हूँ घर जा रहा है। वो बता रहे हो टूर वो है ना वाला। हाँ ये क्या चीज है, नहीं नहीं खुफिया गेट, खुफिया गेट है। अब ये देख क्या है, यही लेकर जाता होगा राजा। ये खास महल है, तभी खास है यही से देखा खास महल। वो देख चील वो सब कितने उड़ रहे हैं देखिए, बाप रे खास।
खास स्मेल ये रहा। ओहो हो काफी बड़ा है। दीवान है खास। कुछ हाँ काफी बढ़िया है जैसा लग रहा है। अबे कुछ मतलब करना कुछ तो यार एक वो करना चाहिए इनको है ना कुछ ना मतलब सीनरी टाइप या वैसा टाइप में कुछ लगाना चाहिए। अब है इधर ही शो चालू कर दे 10-10 रुपए मिल जाएंगे। अबे नहीं जैसे वो नहीं होते लोग वो क्या स्क्रीन लगाते हैं उसमें फिर दिखाई देते हैं कि क्या है स्टोरी ऐसी जगह लगाना चाहिए जिससे और थोड़ा वो बनेगा ना लोग ज़्यादा विजिट करेंगे। ये भी कुछ ना कुछ है इधर भी देख ले मोती मस्जिद ये रहा भाई जिसमें मोती एक भी नहीं है बने हुए पता देख रात में लाइट जलती है यहाँ चमकता है। रात के लिए तो काफी सही है आउट करने। नौबत खाना मेरे को लग रहा है लिख रखा है नौबत बकवास। ये इधर जाए क्रांति मंदिर वो देख क्रांति मंदिर ये रहा म्यूजियम लाल किले का म्यूजियम क्या कुछ 1857 ये पढ़िए सर ये कौन सा सन है उर्दू है भाई पुराने इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रानी लक्ष्मी बाई बेगम हजरत महल सही में क्या 21 रुपए का है देख लो भाई 21 रुपए में क्या मिल रहा है ये सब मिलता है। ओहो शाही तलवारें नाना साहेब पेशवा ये किनका है ये किनके की लिखाई उठाई जो न्यूज़पेपर ऑफ 1857 बहादुर शाह ऑर्डर हॉन्स शाही स्क्वाड मस्त है तलवारें स्क्वाड वो रही फुट वो फुटेज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ओहो प्लानिंग वाह चपाती सीक्रेट मैसेजेस अच्छा है काफी अच्छा है। अंचल अटैक ऑफ द डे ऑफ बकर ईद अच्छा ये क्या चीज है तलवार बढ़िया है कुछ भी कहो ये पोशाक उनकी मतलब शाही आप पहन के देख ली पता नहीं पता
क्या टाइम इस चीज के लिए टाइम निकालेगा स्कूल में कभी संस्कृत में जीरो नंबर आया अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आज सुषमा मैम की बात समझ लेते ना तो संस्कृत मेरे को तो भाई जैसी बात वैसी बात चल तब कल आई ठीक है चल आगे ये क्या वीडियो पॉज करके पढ़ लेना जनता अबे वहीं तो नहीं आ गए शाही दरवाजे लास्ट बैटल ऑफ लखनऊ आखिरी बैटल आखिरी जंग अभी कैसे सीन रही है यार कुछ ज्यादा ही पास लगा रखा है ताकि क्लियर भी नहीं आ रही ये तो बस कुछ नहीं है लग रहा है ऊपर भी है सीढ़ियां देखो लकड़ी की आवाज आ रही कम कम ये देखो ऐसा ना हो एक पैर अंदर दस जाए जबरदस्ती की नहीं भाई लकड़ियां पुरानी उसकी मजबूत इधर भी है क्या इधर एग्जिट है अच्छा देखो पहला फ्लोर दिखा दिया दूसरा फ्लोर और तीसरा ये लास्ट अब अपने हिसाब से सोच के आना कि आना है कि नहीं आना क्योंकि अगर आपको इन सब चीज़ों से बहुत लगाव है देखनी है पुरानी चीज़ें तो भाई बहुत अच्छा है हाँ इतिहास की पुरानी चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये पुराने टाइम के हैं पहली वॉर ये रही नीचे आखिरी वॉर थी 1857 सतारा नौरंगाबाद वॉर इन द डोमेन्स ऑफ निजाम क्या मतलब होगा कुछ समझ नहीं तो इधर पड़ेगा इधर भी कुछ नहीं है पता है वही चीज़ सारी इतिहास के बारे में आसाम चल उधर भी है बता रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी देख लो भाई ये थी रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों अभी आपने देखा म्यूजियम आपने नहीं देखा हमने देखा हाँ नहीं आपने भी देखा जो आपने भी देखा हमने भी देखा ठीक है काफी अच्छा लगा शर्म आ गई हाँ शक्ल से पता लग गया होगा कितना अच्छा लगा इसको इतिहास पसंद है हाँ।
बाकी इस व्लॉग से समझ जाओगे। हाँ हाँ वो तो है, पर ये चीज़ है कि इस व्लॉग से ये समझ जाओगे कि तुमको लाल किला मतलब कैसे मतलब विजिट करना है, ये अच्छा है या कैसा है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। हाँ इससे ही आपको ये सब नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना, कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कैसे आना है, ठीक है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं विजिट करने के लिए, क्या क्या म्यूजियम है, ठीक है। वापस आ गए चल फिर। और एक म्यूजियम वैसा है ना जिसमें मतलब वो भी म्यूजियम ही है जो 100 रुपये मांग रहे थे। हाँ वो म्यूजियम टाइप का ही था। हाँ तो उसका अलग चार्ज है, उसके अलग चार्ज है, तो पैसे रख के आना, 10-15 रुपये सिर्फ बस का किराया लगा के मत आ जाना, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे। हाँ सुबह जल्दी आना, मॉर्निंग टाइम पे 10 या 11 बजे करीब पहले ही आना, घूमना है पढ़ना है। तो अब मिलता हूँ आपको आगे थोड़े टाइम बाद।